जमाना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी का कितना क्रेज था कि आठवीं और नौवीं शताब्दी में श्रीलंका की सरकार ने वहाँ पर नालंदा महाविहार बनवाया था श्रीलंका में, और पंद्रहवीं शताब्दी में तिब्बत की सरकार ने अपने यहाँ नालंदा महाविहार बनवाया, अठारहवीं सदी में भूटान देश ने अपने यहाँ नालंदा महाविहार बनवाया, और आज 21वीं सदी में जापान जैसा विकसित देश ने नालंदा महाविहार बनाया। इसे आप नालंदा महाविहार के महत्व को समझ सकते हैं कि आपके देश के कोने कोने में इस नाम को अपना लेने की इतनी होड़ थी कि भूटान, तिब्बत, श्रीलंका से लेकर के जापान जैसे देशों ने इतने सुंदर यूनिवर्सिटी का नाम अपने देश में रह कर कर बनाया। हाई एक पिलर है जिसको सिकंदर ने बनाया है, विश्व विजेता सिकंदर, जिसको इतिहासकारों ने हाईलाइट किया है इतिहास में, और विंसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकार एक तिहाई अपना इतिहास का पन्ना विश्व विजेता सिकंदर पर लिख डाला है। ये कौन विश्व विजेता जिसने एशिया की 5% जमीन जीती थी, और 5% एशिया की जमीन जीतकर इतिहासकारों ने सिकंदर को विश्व विजेता घोषित कर दिया, और जिस बुद्ध ने पूरे एशिया को जीत लिया उसके बारे में ये लोग कहते हैं कि बुद्ध विश्व गुरु कैसे हो गए। अरे भाई, तुम्हारा सिकंदर एशिया का 5% जमीन जीत कर करके अगर विश्व इतिहास में विश्व विजेता हो सकता है तो जिस बुद्ध ने पूरे एशिया को ही जीत लिया हो वो विश्व गुरु कैसे नहीं हो सकता। सम्राट अशोक ने जगह जगह पर जहाँ जहाँ बुद्ध रुके, जहाँ ज्ञान मिला, जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, जहाँ जन्म लिए, अगर वहाँ वहाँ सम्राट अशोक पिलर और स्तूप नहीं खड़े कराए होते, बनवाए होते, तो आज तथागत बुद्ध का इतिहास पूरी तरह से मिट जाता। आज जिस पटना को देख रहे हैं वो सम्राट अशोक के समय में पटना कैसा रहा होगा इसकी आप परिकल्पना कर सकते हैं। बहुत सारे चीनी यात्री यहाँ आए, लिखे हैं कि जगह जगह पर बौद्ध विहार था पटना में, बड़े बड़े अशोक के स्तंभ थे, बहुत सारे स्तूप थे, पूरे पाटलिपुत्र इसी बुद्धिस्ट निशानियों से भरा पड़ा था, और आज पटना पूरी तरह से बदल गया है। जब पटना में ह्वेनसांग आए थे तो उस समय अशोक की लिपि को पढ़ने वाले लोग पटना में थे, और ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में यह बात लिखी है कि यहाँ पर एक छाप वाला पिलर था, उस पर कुछ इतिहास लिखा था, उसका अर्थ उन्होंने अपनी डायरी में दिया है। मतलब कि 7वीं सदी में पटना में धम्म लिपि, जिसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है, पढ़ने वाले लोग थे, और सल्तनत काल में जब फिरोज शाह तुगलक 1356 ईस्वी में सम्राट अशोक के दो पिलर, एक मेरठ से और दूसरा टोपरा से उठा कर करके दिल्ली ले गए थे, वो गए थे शिकार खेलने, उसी में यह अजूबा पिलर दिखाई पड़ा, और दिल्ली का बादशाह चक्कर में पड़ गया कि ये क्या है। फौरन 42 पहिए की गाड़ी बनी, 8400 लोग उस पिलर को उठाने में लगे, और राजादेश जारी हुआ राजा की तरफ से कि रेशम की रुई मंगाई जाए। इतना सुंदर पिलर सम्राट अशोक का था,
और वो पिलर हर पिलर तथागत बुद्ध की स्मृति में खड़े कराए गए थे। अगर सम्राट अशोक ने जगह जगह पर जहाँ जहाँ बुद्ध रुके, जहाँ ज्ञान मिला, जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, जहाँ जन्म लिए, अगर वहाँ वहाँ सम्राट अशोक पिलर और स्तूप नहीं खड़े कराए होते, बनवाए होते, तो आज तथागत बुद्ध का इतिहास पूरी तरह से मिट जाता। कनिंघम ने, जनरल कनिंघम ने, ये आप महाबोधि टेम्पल जो देख रहे हैं बोधगया में, ये थोड़े कोई देख रहा था, ये तो मिट्टी से ढका हुआ था। सुजाता का निरंजना नदी के उस पार जो स्तूप है, जिसको आजकल सुजाता ग्राम बोला जाता है, बहुत पहले बुद्ध के ज़माने में उसका नाम सेनानी ग्राम था और 2006 से पहले उसका नाम बकरौर था। 2006 में इधर सोचिए कि उस गांव के लोगों को नहीं मालूम था कि यहाँ बहुत बड़ा स्तूप है और सुजाता का गांव है। ये 2006 तक बिहार के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को नहीं पता था। ये कितनी आश्चर्य की बात है। तो सम्राट अशोक ने वैशाली में, श्रावस्ती में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, बोधगया में, हर जगह पिलर बनवाया था। उसके पास, उस राजा के पास इतिहासकारों की टीम थी, उसने सर्वे कराया था और सर्वे करा कर करके जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में, वहाँ पिलर बनवाए, वहाँ स्तूप, सुजाता के गांव में स्तूप, सुजाता के गांव में पिलर, सारनाथ में स्तूप, सारनाथ में पिलर, ये सब सम्राट अशोक की देन है। अगर वो निशानियाँ नहीं लगाया होता तब जनरल कनिंघम खोजते कैसे, कैसे पता चलता सारनाथ का? ये सब सम्राट अशोक के कारण हुआ है। हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास के जितने देश हैं, सभी देश के नाम तथागत बुद्ध के नाम पर है। यह आश्चर्य की बात है कि भारत का नाम बुद्ध पर नहीं है, लेकिन भारत के आसपास जितने पड़ोसी देश हैं सभी के नाम बुद्ध पर है। या संयोग कहिए कि इस सूबे का नाम, कम से कम बिहार है तो बुद्ध के नाम पर है। अभी जिसको हम लोग तिब्बत कहते हैं, तिब्बत, आप तिब्बत चले जाइए तो तिब्बत के लोगों से पूछिएगा कि आपके देश का क्या नाम है, तो तिब्बत के लोग कहेंगे कि मेरे देश का नाम बोध देश है। अभी अभी जाकर पूछ लीजिए। वो तिब्बत नाम तो चाइना द्वारा आरोपित है। आज भी तिब्बत के लोग कहते हैं कि मेरे देश का नाम बोध है, बोध माने बुद्ध, बुद्ध के नाम पर ही तिब्बत है। और जिस समय यहां नालंदा महाविहार बना, तो इसका क्रेज इससे अंदाज कीजिए कि आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कितनी ख्याति है। एक जमाना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी का कितना क्रेज था कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में श्रीलंका की सरकार ने वहां पर नालंदा महाविहार बनवाया था श्रीलंका में, और 15वीं शताब्दी में तिब्बत की सरकार ने अपने यहाँ नालंदा महाविहार बनवाया, 18वीं सदी में भूटान देश ने अपने यहाँ नालंदा महाविहार बनवाया, और आज 21वीं सदी में जापान जैसा विकसित देश ने नालंदा महाविहार बनाया। इसे आप नालंदा महाविहार के महत्व को समझ सकते हैं कि आपके देश के कोने कोने में इस नाम को अपना लेने की इतनी होड़ थी कि भूटान, तिब्बत, श्रीलंका से लेकर के जापान जैसे देशों ने इतने सुंदर यूनिवर्सिटी का नाम अपने देश में रह कर कर बनाया। और यही क्रेज सम्राट अशोक के नाम की, जिसे गलती से भारत के इतिहासकार लिखते नहीं हैं। अशोक के नाम का बड़ा क्रेज था, अपने को राजा अशोक कहने में देश और दुनिया के राजा फख्र महसूस करते थे कि मैं भी सम्राट अशोक हो जाऊं। इसका बहुत सारे प्रमाण हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज है। जिस समय सम्राट अशोक था, उस जमाने में श्रीलंका के राजा
30 ने अपने नाम के पहले देवानम पिय लगाया। सम्राट अशोक की उपाधि को श्रीलंका के राजा ने जिस समय अशोक जीवित था उस समय धारण कर करके अपनी छाती चौड़ा किया कि मैं भी देवानम पिय हूं। और चाइना के राजा लियांग उड्डी, जिसको चीन का सम्राट अशोक कहा जाता है, उसने तो अपने देश में अशोक के नाम पर मंदिर ही बनवा दिया। और आज भी सम्राट अशोक के नाम पर मंदिर है 6वीं शताब्दी ईस्वी की चाइना में। और 12वीं सदी में कंबोडिया के राजा जयवर्मन सप्तम ने अपने को सम्राट अशोक कहा और सपना देखता था कि मैं भी सम्राट अशोक हो जाऊं। उसने भी सम्राट अशोक के नक्शे कदम पर चलकर अपने बेटे को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। याद कर लीजिए उस राजा का नाम, कंबोडिया का राजा जयवर्मन सप्तम, जिसको कंबोडिया का सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसने अपने बेटे को अशोक की राह पर चलकर श्रीलंका भेज दिया था। और अशोक का बेटा तो फिर गया, तो फिर अपने देश वापस नहीं आया। धम्म प्रचार में वही श्रीलंका में ही वो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। और आज भी श्रीलंका में ही थेर महेंद्र का स्तूप है, जहां वो गुजरे थे। और 15वीं शताब्दी में बर्मा के राजा धम्मचेती ने अशोक राज लाने का सपना देखा था। बर्मा का राजा धम्मचेती ने 15वीं शताब्दी में, उस राजा को बर्मा का सम्राट अशोक कहा जाता है। पूरे भारत के इतिहास में एकमात्र ऐसा ये सम्राट हुआ जिसकी नाम को लेने की होड़ पूरी दुनिया के राजाओं में लगी रही। वरना यहाँ तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। लेकिन चीन, वियतनाम, बर्मा जैसे देशों के राजाओं ने अपने अपने को सम्राट अशोक की उपाधि धारण करने में फख्र महसूस किया। ऐसा रहा अपना देश। तो बात निकली थी थेर महेंद्र की, तो यहाँ बहुत सारे लोग पटना के भी हैं। तो पटना में एक मुहल्ला है जिसका नाम है भिखना पहाड़ी। कल जाकर के भिखना पहाड़ी को देखिएगा, यहाँ का बहुत चर्चित मुहल्ला है भिखना पहाड़ी। तो भिखना पहाड़ी क्या था? भिखना पहाड़ी का मतलब भिखू पहाड़ी, भिखू की पहाड़ी भिखना पहाड़ी। और वो पहाड़ी बनाया था सम्राट अशोक ने 1894 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में, आप देखिए उस राइटर का नाम दिमाग से उतरने लगा, लॉरेंस वाडेल ने सर्वे किया है भिखना पहाड़ी की। वो लिखा है अपनी किताब में, अंग्रेजी में है, कि भिखना पहाड़ी 40 फीट ऊंची है और 1 मील में इसका घेरा है। वो आर्टिफिशियल कृत्रिम पहाड़ी सम्राट अशोक ने बनवाई थी अपने भाई के लिए। उनके सम्राट अशोक के एक छोटे भाई थे, तो वो भी अरहत हो गए थे। उनका तो पूरा परिवार ही ऐसा था ना, अरहत हो गए थे, राजगिर में रहते थे, गृधकूट पर्वत पर। तो लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक अपने भाइयों का हत्यारा था। यहाँ भारत में, दुनिया के किसी और देश में नहीं कहा जाता है, यही कहा जाता है, यही सब कुछ कहा जाता है कि तथागत बुद्ध जो थे वो विष्णु के अवतार थे। ये भारत में ही कहा जाता है, चीन, जापान, कोरिया में नहीं कहा जाता है। मतलब कि 2 नंबर का अफवाह है, बाद में उठा। तो भिखना पहाड़ी में उनका छोटा भाई आया नहीं कि भैया हम राजधानी में रहकर क्या करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमको यही अच्छा लग रहा है। देखिए, राजा का भाई नहीं आया पटना। अंत में उनका लड़का जो था, जिसको थेर महेंद्र हम लोग कहते हैं, उनका नाम था महिंग,
वहीं उस पहाड़ी पर रहने लगे। तो 1894 में जब लॉरेंस वाडेल आए तो भिखना पहाड़ी पर सम्राट अशोक का बेटा जो थे थेर महेंद्र, उनकी पूजा होती थी। जानते हैं आप लोग किस नाम से? भिखना कुंवर। भिखना कुंवर के नाम से सम्राट अशोक के बेटे की पूजा होती थी 1894 ईस्वी में भिखना पहाड़ी में। और उसका जो मेन महंत था, मुख्य पुजारी, जानते हैं किस जाति का था? लॉरेंस वाडेल ने अपनी किताब में लिखी है, आपकी आंख खुल जाएगी। लॉरेंस वाडेल ने लिखा है कि सम्राट अशोक के जो लड़के थे महेंद्र, उनके मंदिर का पुजारी जाति के दुसाध थे, रिटेन है, और उसने अपनी आंखों से देखा। और वहाँ जो फल और दूध चढ़ाने वाले लोग थे वो बिहार के अहीर थे, ये भी बात उसने अपनी किताब में लिखी है। इसीलिए सम्राट अशोक बहुत आजकल के बहुत सारी जातियों के पूर्वज रहे हैं। मैं यह बात कह रहा हूँ उनकी किताब के आधार पर। आप सोच सकते हैं कि तो वो शिलालेख की मैं बात कर रहा था कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 पिलर दिल्ली मंगवाए थे, और दिल्ली मंगा करके कहे कि भाई एक आदेश जारी करो कि इस पिलर पर क्या लिखा है, कोई तो बताए। तो देश के कोने कोने के विद्वान दिल्ली गए पढ़ने के लिए, किसी को पढ़ा ही नहीं रहा था कि क्या लिखा है। ये 1356 की बात है, तो चापलूस आज से थोड़े रहे हैं, उस जमाने में भी चापलूस थे। तो एक चापलूस विद्वान कहा कि सर मैंने तो पढ़ लिया राजा साहब। तो राजा बोले कि क्या लिखा है? तो बोला कि एक समय आएगा जब दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक नामक राजा बैठेगा, और वही राजा इस पिलर को तोपरा और मेरठ से उखाड़ कर दिल्ली ला सकता है, यही बात लिखा हुआ है। और तो पाया नहीं, चापलूसी कर दिया। अंग्रेज जब आए तो बड़ा फेरा में पड़ गए कि आखिर लिखा क्या है। तो एक कोरियट नाम का यात्री था, वो मुगल पीरियड के आखिरी दौर में वो भारत आया था। तो उसने दिल्ली वाला पिलर देखा अशोक का, और कहा, लिखा, और इंग्लैंड में भी चिट्ठी लिख दिया कि दिल्ली में भाई एक पिलर है जिसको सिकंदर ने बनाया है, विश्व विजेता सिकंदर, जिसको इतिहासकारों ने हाईलाइट किया है इतिहास में। और बिसेंट स्मिथ जैसे इतिहासकार एक तिहाई अपना इतिहास का पन्ना विश्व विजेता सिकंदर पर लिख डाला है। ये कौन विश्व विजेता जिसने एशिया की 5% जमीन जीती थी, और 5% एशिया की जमीन जीतकर इतिहासकारों ने सिकंदर को विश्व विजेता घोषित कर दिया, और जिस बुद्ध ने पूरे एशिया को जीत लिया उसके बारे में लोग कहते हैं कि बुद्ध विश्वगुरु कैसे हो गए। अरे भाई, तुम्हारा सिकंदर एशिया का 5% जमीन जीत कर करके अगर विश्व इतिहास में विश्व विजेता हो सकता है, तो जिस बुद्ध ने पूरे एशिया को ही जीत लिया हो वो विश्व गुरु कैसे नहीं हो सकता है। हम तो कहते हैं कि जगत गुरु के मठ भारत के 4 कोनों पर हैं, बाउंड्री पार नहीं हुई, लेकिन विश्व गुरु का मठ तुर्की से लेकर के कोरिया तक चारों तरफ फैला हुआ है। आप सोच सकते हैं कि असली जगत गुरु कौन है। तो असल में बात कुछ मिस कर रही है, बहुत सारी बातें बिजली के करंट की तरह दिमाग में आ रही हैं। आपको पीछे से याद दिलाना पड़ेगा कि कहाँ से हम कहाँ उठाए और कहाँ छोड़ दे रहे हैं। बहुत सारी बात भूल जा रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं तो पिछली बात खत्म हो जा रही है, वो हमारे बूते की बात नहीं है। हजारों हजारों चीज़ें
आ रहे हैं जा रहे हैं तूफान की तरह, उसको रोकना कंट्रोल करना मेरे बूते की बात नहीं है। तो वो कहा कि इस सिकंदर का पिलर है जो पोरस को हराया था तब ये दिल्ली में खड़ा कराया था। तो सिकंदर था यूनान का, वो ग्रीक भाषा बोलता था, याद दिलाइएगा हमको कि ग्रीक भाषा में पटना को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग समझेंगे कि पटना वस्तुतः क्या है। तो बहुत दिनों तक विद्वान ग्रीक भाषा में उसको पढ़ रहे थे, सम्राट अशोक के शिलालेख को, क्योंकि कोरिएट ने लिख दिया चिट्ठी इंग्लैंड में कि यहाँ पर सिकंदर का पिलर है, उसको नहीं पता था कि ये अशोक का है, तो ग्रीक भाषा में पढ़ रहे थे। इसी बीच में विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में जज थे यहाँ कोलकाता में, तो उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे इस तरह के, ये सिकंदर के इतने सारे पिलर कहाँ से आ जाएंगे भारत में, तो कोने से लौट गए थे, ये दूसरे का है। तो उसने बनारस चिट्ठी लिखी बनारस के डीएम को कि बनारस विद्वानों का शहर है भाई, इतने सारे शिलालेख मिल रहे हैं, वहाँ पढ़वाओ कि किस भाषा में है, क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ बनारस के एक विद्वान ने, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात अपनी किताब में लिखी है कि बनारस के विद्वान ने कहा कि इस पर महाभारत की कहानी लिखी हुई है, आज युधिष्ठिर का वनवास इस पर लिखा हुआ है। तो फिर अंग्रेज सब फेरा में पड़ गया, वो लगा संस्कृत में पढ़ने की इस पर महाभारत लिखा हुआ है। बहुत दिन तक तो भीम की लाठी कहाँ ही जाता था सम्राट अशोक का, उप अफीफ फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में उनका वित्त विभाग में था अफीफ, जिसने तारीखें फिरोज शाही लिखी है, उसने भी लिखा है ये भीम की लाठी इसको कही जाती है। तो वो लोग संस्कृत में पढ़ने लगा, तो बताइए कि वो लिखा है प्राकृत में, आप पढ़ रहे हैं संस्कृत में, तो पढ़ाएगा कैसे, जाना है पूरा और जा रहे हैं पश्चिम, तो वहाँ कैसे पहुँचिएगा। यही कारण है कि उस शिलालेख को पढ़ने में 87 साल लग गया, 87, इतनी तो कांग्रेस ने जो 1885 में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी, उतनी दूर तक वो लड़ाई भी नहीं चली। 87 साल के बाद जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में उसको पढ़ लिया, और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में उसको पढ़ा। देखिए बुद्ध का इतिहास वहीं से खुलता है और सम्राट अशोक का भी इतिहास वहीं से खुलता है 1837 से। और जेम्स प्रिंसेप को लड़का लड़की कुछ भी नहीं था, ठीक 1837 में ही उसकी एक लड़की हुई थी, नाम था एलिजा। और 3 साल के बाद जेम्स प्रिंसेप गुजर गए, बीमार हो गए, बहुत तेज आदमी थे, बहुत कम उम्र पाए, 1840 में उनका निधन हो गया। ये कर्मनाशा नदी का जो आप पुल देख रहे हैं जो यूपी बिहार को जोड़ता है, ये जेम्स प्रिंसेप ने ही बनाया है, वहाँ नदेश्वर कोठी, बहुत सारा काम जेम्स प्रिंसेप ने किया, जिसमें सबसे बड़ा काम उन्होंने ये अशोक की जो लिपि है धम्म लिपि उसको पढ़ कर उन्होंने किया, और तब भारत का वास्तविक सम्राट हम लोगों को प्राप्त हो गया और इतिहास अंधकार में डूबने से बच गया। लेकिन जब पढ़ा गया तो अब हुआ कि ये देवानम पिए कौन है। अच्छा, एक चीज़ और हमको ध्यान आ गया कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है कि देवानाम पिए सम्राट अशोक, तो ये गलत हो गया। देवानाम प्रिय का मतलब क्या, देवानाम प्रिय प्राकृत भाषा का शब्द नहीं है, ये तो आप संस्कृत बोलने लगे, बाल कह बाल कहो बाल का नाम, उसी आधार पर इन लोगों ने कह दिया कि देवानम प्रिय, प्राकृत में देवानम चलता नहीं है, देवानाम देवानाम देवानम, और अर्थ क्या कर दिए, देवताओं के प्रिय राजा अशोक। कौन देवताओं के प्रिय राजा अशोक, किसी भी देवी देवता का उल्लेख सम्राट अशोक के शिलालेख पर नहीं है, नहीं है, नहीं।
इंद्र वरुण मित्र राम कृष्ण किसी का नहीं है, एक ही आदमी का नाम है उनके पूरे शिलालेख में और वो आदमी है तथागत बुद्ध। इसीलिए सम्राट अशोक के शिलालेख में उन्होंने जो उपाधि धारण की थी देवानम प्रिय की, इसका मतलब बुद्ध प्रिय राजा अशोक, ये अर्थ होगा। लेकिन आज भी दिल्ली विश्वविद्यालय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है देवताओं के प्रिय राजा अशोक, जबकि सम्राट अशोक किसी देवता को जानता ही नहीं था, उसने किसी देवता का उल्लेख ही नहीं किया है, उसने केवल बुद्ध का किया है। और प्राकृत और पाली भाषा का डिक्शनरी कल जाकर के देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है देव का मतलब अरहत बुद्ध, इसीलिए जितने भी चीनी यात्री आए सबने बुद्ध को बुद्ध देव कहा, बुद्ध ही देव है। बहुत दिनों तक तो इस देश में गुरु पूर्णिमा के नाम पर पता नहीं किस गुरु की पूजा होती थी। मैंने कहा कि नहीं, गुरु पूर्णिमा एक बौद्ध त्यौहार है, आज इसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और जो आषाढ़ में जब बुद्ध ने ज्ञान दिया सारनाथ में गुरु के पद से, वो गुरु पूर्णिमा है। और वो गुरु पूर्णिमा कब पड़ता है? जुलाई में, अंग्रेजी महीने के जुलाई में। और आज भी भारत नहीं इंग्लैंड तक जो बीए और एमए का सत्र चालू होता है वो जुलाई महीने से होता है। यह बुद्धिज्म की देन है। और हम लोग समझते हैं कि अंग्रेजों ने लाया जुलाई, वो लोग क्या जानता था, वो लोग तो 10 महीना का उनका साले होता था, ऑक्टा अक्टूबर 8, ऑक्टा माने 8, नवंबर नोवा माने 9, डेका दिसंबर माने 10, दसवां महीना हो गया आपका, दू के बाद में यहाँ से चुरा लिया और विद्वान हो गया। हम तो कहते हैं कि अशोक का वहाँ शिलालेख पढ़ो ना भाई, उधर जो नॉर्थ ईस्ट में है उस पर तो लिखा हुआ है। लिपि को सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया है? लिपि, LIBI, लिपि, लिपि माने लिपि स्क्रिप्ट, ये अशोक ने लिखवाया है। तो जब लिपि का ज्ञान हो जाएगा तभी ना आप किताब लिखिएगा। तो वहाँ लैटिन भाषा में किताब को लिबर कहा जाता है, लिपि, अशोक ने लिखवाया लिपि माने लिपि, तो लैटिन में किताब को लिबर कहा जाता है। और उसके बाद अंग्रेजों ने चोरी किया और जहाँ किताबों की ढेर होती है उसको उन्होंने नाम दिया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का इतिहास इधर से चलता है, ये नहीं कि उधर से चलता है, हम लोग उल्टा चलते हैं। पहले लिपि बनेगी स्क्रिप्ट, तब आप किताब लिखिएगा लिबर, और तब लोग किताब का रखने के लिए लाइब्रेरी बनाइएगा। आपका इतिहास भारत से इंग्लैंड की ओर जा रहा है, तो आप उल्टा पढ़ा करके इंग्लैंड से भारत की ओर ला रहे हैं, यही गलती है। आप अंग्रेजी का डिक्शनरी, ठीक मैं कह रहा हूँ कि कल पलट कर देखिएगा, 1, 2, 3 जो डिजिट है इसको अंग्रेजी में जानते हैं क्या कहा जाता है? अरेबिक, अरेबिक। 1, 2, 3 को अंग्रेजी में 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे, इसको अंग्रेज अरेबिक बोलता है। मतलब कि हम लोगों ने अरब देश से लिया, अरब देश वाला क्या कह रहा है उसको? हिंद सा, हमने हिंद देश से लिया, वो हिंद देश बौद्ध भारत है। अब ज़्यादा फेरा में मत पड़िएगा कि प्रोफेसर साहब हिंद की व्याख्या नहीं करा, समय मिलेगा तो इसको भी अभी कर देंगे, लेकिन उतना अवकाश कहाँ मिल रहा है हर बात को, इतिहास को पलटने में और उसको समझाने में समय लगता है, क्योंकि आप बहुत दिनों से गलत लीक पर चल रहे हैं, उसको समझाना बहुत आसान नहीं है, 2-4 घंटा लग सकता है, तब जा करके आपका इतिहास सीधा हो जाएगा। तो 7वीं शताब्दी में 1, 2, 3 ये बौद्ध भारत का एक डिजिट है, और बौद्ध भारत से अरब वाले 7वीं शताब्दी में ले गए और बोले कि 1, 2, 3 को हिंद सा, और अरब से 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड वाले ले गए और उसने कहा कि हम लोग तो अरब से लाए हैं अरेबी 1, 2, 3, वरना इंग्लैंड में जानते हैं कैसे लिखता था 1, 2, 3 को। अब जैसे 37 लिखना है तो लिखेगा एक्स, एक्स रोमन चलता है,
फिर एक्स, तीन गो एक्स लिखेगा तो 30 होगा, फिर लिखेगा भी तो 35 हुआ, फिर दो गो पाई पड़ेगा तो 37 हुआ। इतना लंबा, इतना लंबा तुम लिखोगे भाई तो तुम्हारी दुकान चलेगी, वो मांगेगा तेल, इतना लंबा लिख रहे हो तो तुम तेल दोगे, इतना लंबा डायरी पर लिखोगे तो तुम्हारी दुकान बिजनेस चलेगी। इतना मूर्ख था सर, तो सीख गया कि हो ये तो भारत वाला बहुत काबिल है भाई, ये तो 37 को वैसे तीन ऐसे कर दिया, बस हो गया 37। हम लोग लिख रहे हैं इतना लंबा, तो वहाँ बिजनेस ठप था इंग्लैंड में। आप फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा, जब विश्व का इतिहास पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि 12वीं शताब्दी के में और 12वीं शताब्दी के बाद पूरे यूरोप में व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति हुई। क्यों हुई? इसी कारण से हुई। 1, 2, 3 लिख रहा था इतना लंबा। आज जब व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति वहां हुई इंग्लैंड में, तब जाकर के वहां पर फिर वैज्ञानिक क्रांति हुई। बुद्ध ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है, उतना बड़ा सिद्धांत अभी कोई वैज्ञानिक नहीं दिया है। झूठ मूठ लोग बोलता है न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, बुद्ध ने एक इतना बड़ा सिद्धांत दिया है कि दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने दिया है नहीं दिया है, वो है कार्य कारण सिद्धांत। कोई भी कार्य तभी संपन्न होगा जब उसके पीछे कारण होगा। इसी थ्योरी पर तैयार न्यूटन चल रहा है, इसी थ्योरी पर तुम्हारा मार्क्स चल रहा है, इसी थ्योरी पर तो तुम्हारे दुनिया के सारे डॉक्टर चल रहे हैं। डॉक्टर तो कहता है ना कि रोग है तो रोग का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है, उसका मेडिसिन है, यही तो डॉक्टर कहता है, यही तो बुद्ध बहुत पहले कह दिए 2500 साल पहले। मार्क्स क्या कहा? गरीबी है तो गरीबी का कारण है, और गरीबी का कारण है तो गरीबी के निवारण है, गरीबी हटाने का वो है सर्वहारा क्रांति। तो यह बुद्ध भगवान का सिद्धांत ही कहते हैं, नकल है ना, और क्या है। पूरे विश्व में अगर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक क्रांति हुई तो बुद्ध के कारण हुई, और यह वैज्ञानिक क्रांति 16वीं शताब्दी में यूरोप गया, बेकन ले गया, और बेकन ने यूरोप वालों को कहा कि भाई बिना कारण का कार्य नहीं होता है। तब इंग्लैंड वाला जागा, और जान जाइए कि न्यूटन, गैलीलियो और केपलर, ये सारे यूरोप के वैज्ञानिक कब पैदा लेते हैं? तब जब बुद्ध भगवान का ये सिद्धांत वहां गया कि बिना कारण का कार्य संपन्न नहीं होगा, तब न्यूटन पैदा होते हैं यूरोप में, तब गैलीलियो पैदा होते हैं, उसके पहले नहीं पैदा होते हैं। ये बुद्ध का इतना बड़ा प्रभाव था, लेकिन हम लोग बुद्ध को नहीं समझ पाते हैं। आई थी महारानी यहाँ की भूटान की, बोली कि भारत ने हमको क्या दिया, हम सब इसका एहसान नहीं भूलेंगे, लेकिन भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि हमने दुनिया को क्या दिया। तो हमने कहा कि ये सिलोन, ये चीन, ये तिब्बत, ये भूटान, ये सारे देशों का नाम भगवान बुद्ध पर है, सब उल्टा पढ़ा दिया। कहता है कि सिलोन क्या समय 5 मिनट और बोलना है, तो सिलोन तो बता दिया भाषा वैज्ञानिकों ने कि सिलोन जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और लोगों ने मान लिया। तो भाई पुर्तगाली श्रीलंका कब गए? अच्छा अजूबा अजूबा ही लोग पढ़ाता है भाई, अजूबा अजूबा चीज। अभी हम और अगर समय मिल जाता तो हम बता देते, ये अजूबा चीज है कि पुर्तगाली गया आधुनिक काल में, और उसके पहले 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग गया है श्रीलंका में, उसने लिखा है कि इस देश को सीलम देश कहा जाता है। सुन लीजिए, सील पर वो देश चलता था, भगवान बुद्ध के सील पर, इसीलिए उसका नाम सीलम था, और उसी से सिलोन शब्द बना है। ये अभी विश्व के इतिहासकारों को, भाषा वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है। सील पर चलता था, विनय के सील पर चलता था सिलोन। तिब्बत का बताए, चाइना नाम खुद चान पर आधारित है, जिसको हम लोग यहाँ झान बोलते हैं, झान, इसी को संस्कृत वालों ने चोरी कर करके ध्यान बनाया, झान। बुद्ध का झान, जिसको संस्कृत में ध्यान कहते हैं, बुद्ध का झान जब चीन गया तो चान हुआ, जब जापान गया तो जेन हुआ, जब वियतनाम गया
तो थियन हुआ, यही बुद्ध का ध्यान। बुद्ध पूरे विश्वव्यापी हैं। तो चलिए बात तो खत्म होगी नहीं, भाग बोला जाए। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।